से फैले कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों में हाहाकार मचा रखा है। चीन और इटली समेत दुनिया भर में कोरोना वायरस ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए। चीन में जानलेवा कोरोना वायरस का टीका विकसित किया जा रहा है। अगर वुहान में चल रहे परीक्षण से साबित होता है कि यह टीका सुरक्षित और प्रभावी है तो चीन की योजना इस बीमारी से गंभीर रूप से प्रभावित अन्य देशों में भी इसका परीक्षण करने की योजना है। एक तरफ पूरी दुनिया में जहां कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं साइंस मैगजीन नेचर ने हांगकांग यूनिवर्सिटी के महामारी विशेषज्ञ बेल काउलिंग के हवाले से लिखा है कि यह समय लॉकडाउन से मुक्ति और थोड़ा आराम करने का है, लेकिन यह बात पक्की है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर फिर आएगी। इसकी पूरी आशंका है कि यह लहर अप्रैल के अंत तक एक बार फिर चीन में दस्तक देगी। कोरोना वायरस पर काबू पाने के बाद अब चीनी सरकार को एक बार फिर से महामारी के फैलने का डर सताने लगा है। चीनी सरकार को डर है कि दूसरे देशों का यह वायरस चीन में फिर से मौत का आतंक मचा सकता है।